So hello students, welcome you to our channel Mastering English. In last video you have seen how to change the sentences from active to passive voice in all three tenses. In this video we are going to learn as how to change auxiliary modals from active to passive voice. आप पढ़ चुके हैं मॉडल एक्सिलरीज के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ऑट टू, नीड टू, यूज टू, एक्सेट्रा. दीज आर द मॉडल एक्सिलरीज. नाउ व्हेन वी कम टू लर्न एज हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस व्हाइल यूजिंग दीज एक्सिलरी मॉडल्स, इट्स वेरी सिंपल. जब हम कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड का यूज करते हैं, जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, हम बी का यूज कर लेते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल एक देती हूँ मॉडल एक्सिलरी का यूज करते हुए. एग्जांपल है यू कैन डू दिस, वेरी सिंपल एग्जांपल. तो यू कैन डू दिस में कैन क्या हो गया आपका, मॉडल एक्सिलरीज. जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, दिस कैन बी डन बाई यू. यू कैन डू दिस को क्या हमने कर दिया पैसिव में, दिस कैन बी डन बाई. उसी तरह से यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स. ऑट टू आप जानते हैं मॉडल एक्सिलरी है, इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, योर यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स को हम करेंगे योर एल्डर्स ऑट टू बी ओबेड बाय यू. तो इस तरह आपने देखा कि सारे मॉडल एक्सिलरीज को हम चेंज कर लेंगे जब पैसिव में, तो उसके साथ हम बी एड कर लेंगे. सो कैन और कुड, कैन बी एंड कुड बी में, ऑट टू बी में, will be would be में, shall be should be में, और इस तरह हम we will just keep on changing every sentence using modal auxiliaries from active to passive voice. Our next example is the use of imperative sentence. How to change an imperative sentence into passive voice? आपको पता है imperative sentence में हमारा sentence शुरू होता है action verb के first form से. यानी कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर बट वी डू नॉट राइट इट. और कौन सा सब्जेक्ट होता है वहां प्रेजेंट, यू, विच इज ऑलवेज अंडरस्टूड. अंडरस्टूड का अर्थ हिडन होता है, यानी कि अगर हम किसी को बोल रहे होते हैं, या तो वी गिव ऑर्डर और वी रिक्वेस्ट और कमांड, और वी जस्ट गिव एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस. इन दिस केस व्हाट डू वी डू, तब हमारा सेंटेंस कैसे शुरू होता है, एक्शन वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म से. एंड यू एज अ सब्जेक्ट वहां प्रेजेंट होता है बट वी डू नॉट नीड टू राइट इट. से फॉर एग्जांपल, डू नॉट इंसल्ट मी, ये आपका एग्जांपल है डू नॉट इंसल्ट मी, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस. अब इसको कैसे हम जब पैसिव में चेंज करेंगे डू नॉट इंसल्ट मी को, सबसे पहले हम पैसिव में लेट का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद हम बी लगाते हैं. तो स्ट्रक्चर होता है इसका लेट, देन ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, देन बी, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब. एंड इट्स अप टू यू वेदर यू यूज बाय एंड सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट चूंकि अंडरस्टूड होता है, आपको कोई जरूरत नहीं है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने का. तो एग्जाम्पल देखिए, Do not insult me. इसको हम कैसे चेंज करेंगे, Let I not be. Do not का कैसे होगा, Not be में चेंज करेंगे. तो Let I not be insulted. कोई जरूरत नहीं है आप लास्ट में by you करके लिखें. It's up to you. You can write it. You are free to do so. दूसरा example है, जैसे एक doctor एक patient को advice दे रहा है, Take medicine with warm water. तो कैसे आप चेंज करेंगे, लेट मेडिसिंस बी टेकन विथ वॉर्म वाटर. तो आपने देखा कि कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसमें हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऐसे करके हम किसी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहना चाहें कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, इसको कैसे हम चेंज करेंगे पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. डोंट गो देयर, इसको कैसे चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू गो देयर. यानी डोंट को हमने नॉट टू में चेंज किया, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर कमांडेड, ऐसे
यूज करके शुरू में हम किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू चेंज इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव। As I told you that we will learn to change a sentence into passive voice with the help of prepositions. यानी preposition का use जिस sentence में होता है कैसे हम उसको change करते हैं active से passive में। Our example is, you should act upon my advice. You should act upon my advice में upon क्या है? Preposition है। इसको हम कैसे change करेंगे passive में? My advice should be acted upon. क्या करेंगे? Should act upon को किस में हमने चेंज किया? Should be acted upon, क्योंकि should हमारा मॉडल एक्सिलरी है जिसके साथ be का यूज होता है। अब आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं by you, वैसे it's not necessary to be written। और इसके बाद हमारा next example है he agreed to my proposal। यहाँ आप देख रहे हैं कि agreed के बाद to preposition का use हुआ है। He agreed to my proposal। अब कैसे इसको हम change करेंगे passive में? My proposal was agreed। Was क्यों use किया? क्योंकि agreed is the second form of action verb, जिसके simple past tense में हमने पढ़ा था कि हम auxiliary verb के रूप में was और were का use करते हैं passive voice में जब हम simple past tense का sentence change करते हैं। तो he agreed to my proposal को हमने कैसे चेंज किया? My proposal was agreed to by him. Agreed to को आपने देखा कि हमने साथ साथ यूज किया, यानी ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। और जब हम प्रीपोजिशन वाले वर्ब को सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं इसको एक्टिव से पैसिव में? इस तरह लिमिटेड दो सेंटेंसेस के साथ मैंने चेंज किया है। देयर आर न्यूमरस सेंटेंसेस वेयर वी यूज फ्रेजल वर्ब्स एंड वी चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड आई वांट यू टू गिव द आंसर ऑफ दैट सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। एंड द एग्जांपल इज दे स्पोक टू हिम। यहाँ आपने देखा स्पोक के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, तो इसको आप प्लीज चेंज कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। नाउ आई विल टीच यू एज हाउ टू चेंज अ सेंटेंस विद इंफिनिटिव वर्ब्स। जब किसी सेंटेंस में इंफिनिटिव वर्ब्स का यूज होता है तो हम उस सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं? इंफिनिटिव आप जानते हैं टू प्लस एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है जिसका फंक्शन होता है नाउन का। तो हमारा सेंटेंस से फॉर एग्जाम्पल है यू विल हैव टू डू इट। अब टू डू इट क्या है? इन्फिनिटिव है। इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे? इट विल हैव टू बी डन। कैसे होगा? इट विल हैव टू बी डन, यानी ये जो टू डू था इन्फिनिटिव उसको हमने किस में चेंज कर दिया? टू बी डन में। अब आप लिखना चाहें बाय यू एट द एंड तो लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी रिटन। तो क्या हमने किया? इट विल हैव टू बी डन बाय यू। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। टू क्लोज ये हमारा इन्फिनिटिव है, तो कैसे हम चेंज करेंगे इसको पैसिव में? इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप को इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। क्योंकि टू क्लोज हमारा जो इन्फिनिटिव है उसको हम पैसे में चेंज करते समय बी का यूज करेंगे, तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंसेस में जब एक्टिव वॉइस में, तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बी का यूज करते हैं। एंड अगेन आई मस्ट टेल यू दैट देयर आर अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस वेयर वी यूज इन्फिनिटिव वर्ब्स एंड वी चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस। Our next step is that there are some sentences where we do not use by. By कोई जरूरी नहीं है कि हम हर sentence में passive voice में use करें। Say for example, I know him. आपका sentence है I know him, I subject, no. Simple present tense का sentence है and him is an object.
पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे इसको, आई नो हिम को, ही इज नोन टू मी, हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ही इज नोन बाय मी जैसा कि हम यूज करते हैं, ही इज नोन टू. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज राम मैरिड सीता. इसमें कैसे हम बाय का यूज नहीं करते हुए इसको पैसिव में चेंज करेंगे. सीता वॉज मैरिड विद राम. क्या करेंगे हम, सीता वॉज मैरिड विद राम. हमने ये नहीं कहा कि बाय राम, यहाँ बाय का यूज नहीं करना है. अगर हम बाय का यूज करते हैं तो आर सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी इनअप्रोप्रिएट. सो इन ऑर्डर टू मेक आर सेंटेंस अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल आर पैसिव वॉइस स्टेटमेंट विल बी दैट सीता वॉज मैरिड विद राम. एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है दैट पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस सेंटेंस को आप कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, आइदर यू से पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड और यू से इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ देर इज नो नीड टू से बाय पीपल बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट वी एम्फसाइज ऑन इंग्लिश वर्ड विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट वी डू नॉट नीड टू यूज बाय इन दीज सेंटेंसेस while changing any active voice into passive voice. Now, next example. Your shoes need polishing. यहाँ आपने देखा, your shoes need polishing को हम passive में जब change करते हैं, तो कैसे करते हैं? Your shoes need to be polished. यहाँ फिर again we can avoid by. So, your shoes need to be polished. In this way, we have seen that we have changed the sentences from active to passive voice without using by or avoiding by. Now, this is going to be my last sentence. The flowers smell sweet. Again, we can change the sentence into passive voice without using by. And its passive will be, the flowers are sweet when they are smelt. What did we say? The flowers are sweet when they are smelt. With this, we come to the end of our active and passive voice, where you came to learn a variety of sentences. And I have tried my level best to cover all the topics. In my next video, I'll give you some exercises. उन एक्सरसाइजेस में आपके सामने सब सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. प्लीज प्लीज आप उन सेंटेंसेस को पैसिव में जरूर चेंज करिएगा बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस ऑल दिस टीचिंग ऑल दिस लर्निंग आर जस्ट फ्यूटाइल. तो आपको उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है बिकॉज यू हैव टू बी अप्रोप्रिएट, यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस as far as active and passive is concerned. So students, goodbye.